लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट. मीना वेंट टू अ बैंक. फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर टू का फोर्थ पार्ट. मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ. विदड्रॉ मीन्स पैसे निकालना. मीना एक बैंक गई है, क्या करने गई है, पैसे निकालने गई है. कितने पैसे निकाले, 2000 रुपीज. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली. तो उसने कैशियर से क्या कहा, मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट्स चाहिए, और कोई नोट नहीं मैं लेने वाली. ठीक है. मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. तो उसको टोटल कितने नोट्स मिले, 25. फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव्ड. तो उसको 50 और 100 के कितने नोट्स मिले. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना. तो आप बैंक जा रहे हो, सपोज मीना जा रही है वैसे तो 2000 रुपीज निकलवाने के लिए. उसने बोला कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट्स चाहिए, और कोई नोट नहीं चाहिए मुझे. और उसको टोटल 25 नोट्स मिले हैं. हमने फाइंड करना है कि 50 और 100 वाले कितने नोट्स हैं. तो वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग. तो सबसे पहले हम 50 एंड 100 वाले नोट्स को सपोज कर लेते हैं. क्या सपोज करेंगे, कैसे सपोज करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे. ठीक है. लेट द नंबर ऑफ, किसका नंबर फाइंड आउट करेंगे, रुपीज 50 नोट्स कितने होंगे, x होंगे. ठीक है. फिर नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स वो कितने होंगे, y होंगे. ठीक है. उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी स्टेटमेंट बनेगी, उसको कितने टोटल नोट्स मिले, 25. तो मींस x और y को टोटल करेंगे तो 25 नोट्स. फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन बनेगी 50 वाले और 100 वाले. 50 वाले नोट्स उसके पास हैं 50x, 100 वाले नोट्स हैं 100y. तो टोटल उसको कितनी मनी निकलवानी है, 2000. तो ये बनेगी हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब ये बहुत बड़ी इक्वेशन है, इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल लेते हैं. 50 कॉमन निकल सकते हैं. x प्लस 50 टू ज 100 टू y इज इक्वल टू 2000. तो x प्लस 2y, 50 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कट की, 5 4 40. तो ये आ गई हमारे पास, एक्चुअली इसको नहीं, हम इसको सेकेंड इक्वेशन सपोज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप बाय एलिमिनेशन मेथड. वैसे हम इन सम्स को किसी भी मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी, एलिमिनेशन से भी. तो हम एलिमिनेशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए आपको इस मेथड से सॉल्व करके सारे सम समझा रहे हैं. तो आप एग्जाम में कोई भी मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. जब तक कि स्पेसिफिकली मेंशन ना हो. सो ये हमारे पास टू इक्वेशंस आ गई. तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, नहीं है. क्यों, क्योंकि एक्स दोनों के कोएफिशिएंट 1 है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करने पड़ते हैं. ठीक है. तो ये बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया, माइनस वाई, और ये बन जाएगा 25. 15 माइनस में, माइनस माइनस कट गए, तो वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 15. जब वाई की वैल्यू आ गई तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. सिंपल सी इक्वेशन है, एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 25. तो एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 15, आ गया हमारे पास 10. ठीक है. तो देयर फोर एक्स है हमारे पास 50 वाले. तो नंबर ऑफ रूपी 50 नोट्स, तो 50 वाले उसको कितने मिल गए, 10 मिल गए. और नंबर ऑफ रूपी 100 नोट्स, 100 वाले उसको y है 15, तो उसको 15 नोट्स मिल गए. तो ये आ गया हमारे पास आंसर. लेट्स रीड फिफ्थ पार्ट स्टेटमेंट. अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. एक लाइब्रेरी है जहां से आप बुक्स लेके आते हैं, तो फर्स्ट 3 डेज का तो चार्ज फिक्स है, और अगर उसके बाद 3 दिन के बाद अगर आप कोई बुक रखते हैं तो उसके लिए आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा. तो मींस इसमें एक फिक्स चार्ज होगा, एक एडिशनल चार्ज होगा. फिक्स्ड को एक्स सपोज कर लेंगे और एडिशनल को वाई. सरिता पेड रुपीज 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, वाइल सूजी पेड रुपीज 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज. फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. तो चलिए इसको साथ साथ सॉल्व करके स्टेटमेंट को क्लियरली करते हैं. Let the fixed charge. Charges है इसलिए रुपीज x ले लेते हैं. Next हमारे पास charge for each extra day means additional charge is equal to rupees y. ठीक है. तो उसके बाद according to question,
हमें गिवन है कि फर्स्ट 3 डेज के लिए तो उसका फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है जी। एंड उसने बुक, सरिता ने बुक रखी है 7 डेज के लिए, तो 3 डेज के लिए तो एक्स है, तो 7 में से 3 माइनस किए 4 उसके एडिशनल हो गए, एक्स प्लस 4 वाई इक्वल टू 27। जो सूजी थी उसने फिक्स्ड उसका भी एक्स होगा, प्लस उसने बुक रखी है 5 डेज के लिए, तो 3 डेज के लिए तो एक्स हो गया, एक्स्ट्रा थे उसके 2 डेज इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशंस बन गई है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड है तो कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ रहा हमें, डायरेक्टली हमारी कैंसिलेशन हो रही है, माइनस कर देंगे, ठीक है। ये कट जाएगा, यहाँ पे आ गया 2y और यहाँ पे 6, तो y की वैल्यू आ गई 6/2 कटिंग करके 3, तो y हमारे पास 3 आ गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, x प्लस 4y इक्वल टू 27, इसमें मैं y की वैल्यू पुट कर देती हूँ, 3 इक्वल टू 27, x प्लस 12 इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 15, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹15 और एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू ₹3, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों जो है वो आंसर्स आ गए, इजी सम, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉफिशेंट्स जो थे वो बिल्कुल सिंपल थे, 1 1 1, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, अगर मल्टीप्लाई करना पड़े तो एक स्टेप हमारा सम में पड़ जाता है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट सम के साथ।